औरत के लिए हज से ज्यादा अहम हुक्म पर्दे का है। तभी तो महरम के बगैर सफर की इजाजत नहीं दी हज पे भी। फर्ज हज भी होना महरम नहीं है, औरत डिले करेगी हज को, कोई गुनाह नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह कहता है पर्दे का हुक्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी निस्बत हज की निस्बत। तो आपने हज में ही पर्दे की धजियां उड़ा दी, बिल्कुल गलत है, इसका ख्याल करें। बिल्कुल ही खवातीन वहां पे बिल्कुल ही बेपर्दा होती जा रही है, मर्द भी बिल्कुल कोई है ही नहीं, हया ही खत्म हो गई है। तो मिस गैदरिंग इतनी ज्यादा हो रही है, कोई कजनों के साथ ऐसे कब में, मैंने बताया मैं उम्र पे गया, मेरे पड़ोस में कजन कजनों के साथ आए हुए थे उम्र करने, कजन गैर महरम है भाई, एक ही कमरे में कजन और वो सारे सो रहे हैं, ये कप्पे चल रहे हैं। मैंने कहा यार आप लोग क्या कर रहे हो, अल्लाह के बंदो आप कजनों कजन ना महरम है आप, ठीक है पर्दा नहीं करती कजन, इस मौके पर तो कर लेना, और नहीं कर रही तो बेतकल्लुफ होके कप्पे तो ना मारे ना, ये अंडा मोड़ थोड़ी है, ये डिफेंस का कोई होटल थोड़ी है जहां बैठ गए लगे में आप बैठ गए, थोड़ा सा ख्याल करो। देखो उलमा कहते हैं कि बेअदब हमेशा के लिए महरूम होता है, जब आप शाइरुल्लाह का एहतराम नहीं करते ना तो हमेशा के लिए दिल पे मोहर लगती है, फिर इबादत की नूरानियत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, अल्लाह वो नूरानियत हमेशा के लिए छीन लेता है। थोड़ा काम करें मगर तमीज से करें, वो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा काम करना उन आदाब की रियायत किए बगैर ये नुकसानदेह है। समझते हो कि नहीं समझते हो, अल्लाह हिदायत दे इसमें।